क्या लाइट का स्पीड सच में इतना स्लो होता है? इस वीडियो में मैं आपको लाइट के बारे में कैसा डेफिनेशन दूंगा जिससे आपको भी पता चलेगा कि लाइट इतना स्लो है। मान लो कि आप अपना लाइट ऑफ कर चुके हैं और उसके बाद जब आप लाइट जैसे ही दबाते हो और एक सेकंड से कम में भी आपका रूम पूरा उजाला हो जाता है। इसमें आपको पलक झपकाने तक कभी समय नहीं लगा और रूम पूरा ब्राइट हो गया। इस यूनिवर्स में लाइट का पार्टिकल सबसे तेज है और आप लोगों का अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा लाइट का पार्टिकल सबसे स्पीड कुछ होता है और वो होता है टेकियंस का पार्टिकल। लेकिन ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अलग कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं। आप देखिए लाइट का जो स्पीड होता है 299,792.458 मीटर पर सेकंड, ये सब तो आपको पता है। चलिए मेन बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक बैक्टीरिया है जिसकी स्पीड 2.5 माइक्रोन्स है। इस स्पीड से अगर वो 15 घंटा तक चले तब आपका 15 मीटर का स्केल कवर कर पाएगा, लेकिन वो सब तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। अगर हम लोग यूनिवर्स के लेवल पे देखें तो हम लोग भी एक बैक्टीरिया ही है, इसलिए हमें लाइट इतना स्पीड लगता है, लेकिन यूनिवर्स के लेवल पे ये इतना तेज है नहीं। धरती से सबसे करीब वाला स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी और ये सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। मान लो कि अगर उधर में आपका एक दोस्त रहता है और ये 4.25 लाइट ईयर दूर है, आप अपने दोस्त को हाय लिख के भेजते हो और 4 साल 3 महीने बाद उसके पास वो पहुंचेगा और वो आपको हेलो लिख के भेजेगा तो आपके पास भी 4 साल 3 महीने बाद पहुंचेगा। तो अब आप खुद सोच लो कि कितना स्लो होता है लाइट का स्पीड।